हेलो बच्चों, कैसे हो? हम पढ़ रहे हैं संधि के बारे में, तो आपको ये मेरी पीछे वीडियो में मिल जाएगी। तो संधि के भेद हैं बच्चों तीन: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और ये देख लीजिए, स्वर संधि के पार्ट हैं पांच: दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। तो वृद्धि संधि तक हो गया है, तो हमने ये कर लिया है पिछली वीडियो में, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अब हम कर रहे हैं यन संधि के बारे में बच्चों। यन संधि: यदि ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और ऋषि री ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए, यानी कि अलग स्वर आए, तो ई ई का य, ऊ ऊ का व, री का र हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये देख लीजिए, ई प्लस अ, ये ई ई आए ना छोटी, इनके बाद क्या आए? अ आ उ, उ, तो ये यह बन जाएगा। ओके बच्चों, यानी यहाँ पे दिया हुआ है छोटी ई या बड़ी ई या उ या री ऋषि के बाद, अगर ई के बाद आए तो यह हो जाता है कुछ भी आए, और उ के बाद आए तो व हो जाता है, और री के बाद आए बच्चों तो र हो जाता है। ओके बच्चों, तो अभी आप देख लीजिए, ई प्लस अ यानी कि य, अति प्लस अधिक अत्यधिक, ई प्लस आ यानी कि या, इति प्लस आदि यानी इत्यादि, ई प्लस उ यानी कि यु, ऊपरी प्लस उक्त उपर्युक्त। ये ना इसकी मात्रा लग जाएगी बच्चों, पीछे जो दिए हुए हैं स्वर इनकी मात्रा लग जाती है, और होता यह ही है इनको जोड़ने से। और ई प्लस बड़ा ऊ यानी कि यू, ये यू, नी प्लस ऊन यानी कि न्यून, ई प्लस बड़ा ऊ यू, ई प्लस आ या, देवी प्लस आगमन देव्यागमन, यह बन गया बच्चों। ई के बाद कोई भी स्वर आए तो यह बन जाता है, और यहाँ पे आ के मात्रा तो या हो गया। ई प्लस ए यानी कि ए हो गया बच्चों, ये हो गया, क्योंकि ई के बाद कोई भी स्वर आए तो यह हो गया, और बड़ा ए है यहाँ पे, ए है तो उस पर मात्रा लग गई। तो बच्चों नदी प्लस ए स्वरे यानी कि नदेश्वरे। ओके बच्चों, आपने ये ध्यान रखना है। ऊ प्लस अ यानी कि व, सु प्लस अच्छ यानी कि स्वच्छ, वह बन गया ना बच्चों। ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वह बन जाता है। ऊ प्लस आ यानी कि वह बनेगा, और आ की मात्रा लग जाएगी, तो सु प्लस आगत यानी कि स्वागत। ऊ प्लस ई, वह बन गया, ई की मात्रा लगी, ई छोटी है तो छोटी मात्रा। अनु प्लस इति, अनुमति। ओके बच्चों, और ऊ प्लस ए यानी कि वे, अनु प्लस एशन, ए की मात्रा लगी तो वह की ए की मात्रा हो गई, और अनु ऊ, इसमें ऊ आ गया, इसमें एशन आ गया, ए आ गया, अनुएशन यानी कि अन्वेषण। बड़ा ऊ प्लस आ यानी कि वह को आ की मात्रा लगी वा, और यहाँ पे भू प्लस बड़े ऊ की मात्रा है, प्लस आदि भवादि बन गया। ओके बच्चों, आगे देखते हैं री के बारे में। री प्लस अ यानी कि र, जैसे पितृ, री की मात्रा आ गई ना, फिर यहाँ पे अनुमति यानी कि पितृ अनुमति, क्या हो गया? पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति। री प्लस आ यानी कि रा, आ की मात्रा में आ, आ की मात्रा लगी रह गई, मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। ओके बच्चों, ये री है, ऋषि वाली मात्रा होगी, आज्ञा आ हो गया यहाँ पे। री प्लस ई यानी कि री, छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा, तो मात्र प्लस इच्छा, यहाँ छोटी ई है या री है, ये देखो इनको जोड़ने पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, मातृ इच्छा। ये आपने ध्यान रखना है, ई की तो मात्रा हो जाएगी अत, और री की मात्रा क्या बन जाता है? त्र, तो ये क्या बन गया? मातृ इच्छा। ओके बच्चों, तो ये हमने पढ़ा है यन संधि के बारे में, और यन संधि के बारे में आप ये देख सकते हो। बाकी काम आगे वाली वीडियो में करेंगे। एक संधि रह गई है, स्वर संधि का एक पार्ट रह गया बच्चों, ए आदि संधि, हम आगे वाली वीडियो में करें।